हमारे भाव को विकृत करता है, हमारी आत्मा को विकृत करता है, तो वो उपचार कर्जा चुकाने के लिए मुझसे ज्यादा कर्जा लेने के सवाल कुछ नहीं होगा। साइड इफेक्ट होते भी हम उस चीज को इसलिए लेते हैं क्योंकि तुरंत प्रभावशाली है। एक ध्यान में लग रही है कि एलोपैथिक बहुत प्रभावशाली है। एक सोच आपको हो सकता है, मैंने विभिन्न चिकित्सा पद्धति का, मैं किसी एक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कार्य नहीं करता, अच्छा ही जिसकी हो थोड़ी से थोड़ी करना, लेकर अगर किसी व्यक्ति को पासिंग मार्क मिल जाता है तो पास हो जाता है, मुझे कुछ स्वामी से स्वामी मिले हैं नहीं, जिस व्यक्ति को स्वामी से के कम नंबर मिल जाते हैं वो सीए बन जाता है। और इसी से मैं आपके सामने कुछ टिप्स देना चाहता हूं, और वो टिप्स ऐसे हैं कि जो भी करेगा उसको फायदा मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान भीतर गायब कर दीजिए। आप ये सोचिए मैं आपका फोटो खींच रहा हूं, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। आप एक मुस्कुराना मेरे हाथ की बात नहीं है, आप अभी फोटो खिंचाने जाते हैं आपको मुस्कान नहीं आती, फिर भी आप कोशिश करते हैं क्योंकि आप जानते हैं अगर मैंने चेहरा बराबर नहीं रखा तो मेरा फोटो खराब रहेगा। मेरी एक मिनट मुस्कान मेरी जिंदगी भर की फोटो जिसको मैं देख कर रख सकता हूं वो अच्छी हो सकती है। मुस्कुराइए ना, हर जबल से मुस्कुराई मुस्कुराने जैसा चेहरा कर लीजिए। मुस्कुराना नहीं है, आवाज नहीं करना, खाली मुस्कुराने जैसा चेहरा करने का है। मुस्कुराने जैसे नहीं आ रहा है, कोशिश कीजिए। मुस्कुराते समय मेरा चेहरा जैसा होता है मुझे वैसा बनाने का है। क्या मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मैं गुस्सा कर सकता हूं, करके बताइए। क्या मुझे तनाव हो सकता है, क्या मुझे भय लग सकता है? मेरे कहने का तात्पर्य है आज किट के लिए अलग अलग दवाएं खोली जा रही है, ऐसा किट मिले वैसा किट मिले कुछ भी है, मात्र आप पंद्रह मिनट बैठ के मुस्कुरा लीजिए, हो जाए याद आए फिर मुस्कुरा लीजिए। हम विपश्यना कैंप में जाते हैं, श्वास को देखो तीन साढ़े तीन दिन तक हमें ये प्रेरणा देती है कि श्वास को देखो जाए, भूल गए जैसा भी याद आया श्वास को देखो। अगर सांस को देखना तीन साढ़े तीन दिन आप लगा सकते हैं तो क्या हम पंद्रह से बीस मिनट मुस्कुराने का अभ्यास करें? मैं नहीं कहता आप लगातार मुस्कुराइए, हो जाए पुनः मुस्कुराइए। शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कीर्ति कम न हो जाए। अब मुस्कुराएगा कौन? अगर कोई व्यक्ति मुझे आके कहे तो चौड़ी आपको बहुत भला होगा, बड़ी कृपा होगी। मैं अंधेरे में बैठा हूं, मेरे घर से आके थोड़ा लाइट ऑन कर दीजिए। जो व्यक्ति खुद कर सकता है अगर वह नहीं करता है तो इसके अंदर मैं कितनी मदद कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। मुझे घटना याद आती है, एक व्यक्ति था जिसने पड़ोसी से कहा कि भाई साहब आप मेरे घर का ख्याल रखना। उसे पूछा आप कहां जा रहे हैं, क्या कभी आप कैंप में जा रहे हैं? कैंप में जा रहे आपके घर का ख्याल रखूं? नहीं साहब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो घर में ही हूं, सर्दी का मौसम है, मोहल्ले में चोरी बहुत हो रही है, मुझे रात में घर ही नहीं जाती है, मैं सोया रह जाता हूं, तो जरा ख्याल रखना ताकि मेरे घर के अंदर चोरी नहीं हो। आज हमारे अंदर इतनी क्षमता है, मैं आपको कहता हूं मैं आपको एक करोड़ बेचता हूं। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी एक आंख देने की तैयार है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो लाखों करोड़ देने अपने कान देने तैयार है? सही कैसा कौन सा अंग है जो आप करोड़ रुपए में दिन भी तैयार है? शायद मजबूरी हो सकती है, अगर हाँ की कीमत करोड़ चाहे अरब भी हो, तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति पास आता हूं, एक्सचेंज कीजिए ये एक अरब कर लीजिए, आप अपनी आंख दीजिए तो देगा। इतनी अमूल्य चीज है, और उससे भी बड़ी आवश्यकता शरीर के अंदर एक दिन छुप जाए, एक कांटा छुप जाए, एक सुन छुप जाए, उस समय ना आंख को देखना अच्छा लगता है, न कान को सुनना अच्छा लगता है, न मुंह को बोलना अच्छा लगता है, और मन जो दुनिया भर में चक्कर लगाता है वो उस जगह पर आकर केंद्रित हो जाता है। जिस शरीर में इतना सहयोग हो, इतना समन्वय हो, इतना अनुशासन हो, इतना तालमेल हो, क्या उस शरीर में कभी डायबिटीज हो सकता है? एक बहुत जरूरी प्रश्न है। दवाओं रोगों के नाम से जो आज डायग्नोसिस किया जा सकता है, हम शरीर के रोगों को बोल सकते हैं, चाहे सुई छूट गई
एक फिर चुपता ही, एक आंख के अंदर कचरा जाता है, जब तक वो कचरा दूर नहीं होता, एक और भोजन नली के बजाय अगर श्वास नली के अंदर चला जाए, जब तक वापस वो भोजन नली के नहीं आता, हम चैन से नहीं बैठते। जहां इतना समन्वय, इतना अनुशासन, इतना तालमेल, क्या शरीर में कभी हाथ कटे हो सकता है? क्या शरीर में कभी डायबिटीज हो सकता है? तो बड़े क्लेम करते हैं डायबिटीज क्या रोग है, हार्ट का रोग है। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं, और जब ऐसी बात करता हूं, तो आज के शरीर के अंदर उस बात को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। क्या हमारा दीवान एक अरबपति बाप के भिखारी बेटे जैसा तो नहीं है? जितनी इतनी अमूल्य चीज थी जो सब के काम करती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीनरी है, स्वचालित है, स्वनिर्मित है, स्व अनुसूचित है। एक छोटी सी मशीन लाते हैं, उसके अंदर इतना कंट्रोल देते हैं, तो बनाने वाला अंत पुणि से जब मानव जन्म मिला है, कैसे अंदर उसको कोई कंट्रोल ही नहीं होगा? हम जरा चिंतन करें। मैं विषय को इसे से विषयांतर हूं आपके सामने कुछ छोटे छोटे टिप्स प्रयोग के ऊपर करना चाहता हूं। तो पहला टिप्स है, मुस्कुराइए, रोग को भगाइए। कोई भी रोग हो, रोग का नाम ही है, आप हार्मोन से गोलियां खाते हैं, जब मुस्कुराएंगे तो आपका पिनियन, पिचोटी, थायराइड और पैराथायराइड जो ऊपर का एक्शन है, वो एक्शन में आ जाएगा। हार्मोन बदल जाएंगे, और हार्मोन बदल जाएंगे तो आपके हार्मोन की बीमारी चली जाएगी। मैं व्यक्ति को पर्टिकुलरली टेलीफोन पे या वेबसाइट पे मात्र सलाह देता हूँ, और वहां से जब फीडबैक लेता हूँ, मेरे पास में एक ही व्यक्ति ऐसा किया जिसने कहा सब मुझे नुकसान, अरे पानी पियो प्यास लगे, स्विच ऑन करें लाइट लगे, इम्पॉसिबल। तो ये जो नेचुरल चीज है, हमने मेंटल फैकल्टी को बिल्कुल अलग कर रखा है, साथ में से थोड़े आप वही पद्धति करें, साथ में कैसे बोलिए, स्विच पढ़ने में क्या किया, इससे कुछ नुकसान होगा? उस कारण से कुछ नुकसान होगा क्या? कुछ समझ में आपको कुछ नुकसान होने की संभावना है क्या? आप कीजिए। दूसरी बात, अब आपने कहा साहब रोगों का कैसे इलाज करें, तो जैसे अभी संत भाई ने बात की थी, सुनो वाले बीच निकाल के ताला लगाते हैं। मैंने कहा ये नहीं ऐसा करो, व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि हर व्यक्ति नहीं जाता कौन सा पर्स है। रिफ्लेक्सोलॉजी वाला कहेगा कि भाई मेरा तो पॉइंट यहाँ पर है, सुनो वाला कहेगा अब मेरा हार्ट यहाँ पर है, न्यूरोलॉजी वाला कहेगा आपका तो पॉइंट हार्ट यहाँ पर है। कोई कुछ मैंने एक्यूप्रेशर की विभिन्न बातचीत देखी, और एक्यूप्रेशर का एक सिद्धांत हथेली और पथेली में जहां दबाने से दर्द आता है, उसका मतलब उस स्थान पर विजातीय तत्व है, अनवांटेड मेटेरियल, और जब अनवांटेड मेटेरियल है उन तत्वों को हटा दिया जाए तो वहां पर एनर्जी फ्लो हो जाता है, और जब एनर्जी फ्लो हो जाता है तो हमारा जैसे स्विच का कॉन्टेक्स्ट आ गया, स्विच लग जाता है, लाइट लग जाती है, और हम ठीक हो जाते हैं। जितने भी पेशेंट हैं, हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं, आज हमने एक्यूप्रेशर को भी एलोपैथिक ना रखा है, इसलिए कहना चाहता हूं कि हम रोग के नाम से ट्रीटमेंट करते हैं, डायबिटीज का पॉइंट करें ठीक है, आपको डायबिटीज को ढांक भी चलती है, पर एक दिन बाद वापस आएगा। मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रश्न था, मेरे पास एक डायबिटीज का पेशेंट आया, 450 डायबिटीज, दिन में 3 टाइम इंसुलिन लेने वाला मेरे पास आया, जॉर्डन जी मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, जैन परिवार से हूँ, घर का खर्चा नहीं चलता। मैंने कहा क्यों, मैं बेंगलोर में था, सर्विस करता था, लेकिन मैं सप्ते में 3 दिन कभी जाता कभी नहीं जाता, इसलिए मुझे नौकरी से छुट्टी कर दी गई, आप ये नौकरी। मैंने कहा ये काम आप सप्ते भर तक मुझे ऐसे पेशेंट चाहिए, मेरे थे भी आप मेरे जैसा क्या काम वैसा कर लीजिए, मैं कोई ठीक करने वाला नहीं, ठीक करने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो इतनी बात करूँ। और मेरी एक मानना है, किसी भी भीड़ में से अगर आपने नेता को पहले पकड़ लिया तो तरीका सही नहीं है, रैली निकलती है पार्लियामेंट हाउस में, लाखों व्यक्ति होते हैं, अगर पुलिस पहले नेता को पकड़ ले तो क्या भीड़ को कंट्रोल कर सकता है? भीड़ विद्रोह कर देगी, जिस ढंग से नेता बनता है उसकी व्यक्तित्व के द्वारा से हटा देता है, पुलिस हाथ जोड़ती है, किराए के आदमी इकट्ठे करते हैं, चले जाते हैं, डंडा निकलती है, फिर व्यक्ति चले जाते हैं, असुविधा छोड़ती है, फिर व्यक्ति चले जाते हैं, हवा में फैली व्यक्ति है, बच्चे बच्चे रुक जाते हैं, और जो नेता लोग हैं तो मालूम है रोज की रैली निकलती है, बोलिए हमारे को चला लिए, उनको पकड़ लिया जाता है, भीड़ कंट्रोल करती है।
हर एक एक भोग के नाम से, हर भोग के पीछे पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आ जाइए, मैंने जो भी मेरा ट्रीटमेंट था जनरल ट्रीटमेंट में कोई एक ट्रीटमेंट में बिलीव नहीं करता, मुझे व्यक्ति से करना है 80% उपचार। मैं चाहता हूँ व्यक्ति जो खुद कर सकता है वो खुद करे, और वही बात है जो कर सकता है जिस उम्र में कर सकता है। मैंने उसको उपचार करके बताया, और 3 दिन बाद मैंने उससे कहा, आप ये काम करना, आप 3 टैब इंजेक्शन लेते हैं, आप एक काम करना, आधा घंटा एक घंटे जो भी दवाई इंजेक्शन लेते हैं उसको डिले करना, अगर आपको कुछ तकलीफ हो तो आप लेना, मना नहीं करो लेने का, लेकिन आप ले करके देखें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा, उसने कहा साहब मैं मर गया तो, मैंने कहा मेरा क्यों टाइम खराब करता है, मेरे को टाइम खराब होता है, तेरे दिल और दिमाग में वो इंजेक्शन है, मैं ठीक कर सकता। अब भाई साहब कल से आप बता, मैं आपका ठीक में नहीं कर सकता, जैसा भाई सिखाने ने कहा ये तो वीर ही कर ठीक है। नेक्स्ट वो व्यक्ति फिर आ गए मेरे पास, आज मैं उसे हिम्मत ही उसे बात करें कहने की, और देखते देखते भाई साहब करते रहते सर कोई नहीं था सर छोड़ साहब, मैंने कल दवाई दी, मैंने क्यों दवाई दी, मैंने तो तुम्हें 1 घंटे के लिए 1 घंटे का बोला, तेरे 3 इंजेक्शन क्यों लेंगे, मुझे कुछ हुआ नहीं, आपने कहा था अगर कोई तकलीफ हो तो ले लेना, मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं। आज डायबिटीज इतना परेशान करके, मैं डायबिटी को मैं डायबिटी को दिन भर डायबिटी यहाँ की डायबिटी जब यहाँ रहती है तो डायबिटीज नहीं होता। लोग इसलिए स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 1 नहीं 100 व्यक्ति जो अपने आपको डायबिटीज मानते हैं, इसको 3 दिन में किसी 5 दिन में किसी 7 दिन में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई रास्ता दिखाया, अगर कोई किसी नहीं चलती है काम नहीं करती है तो उसको काम एनर्जी देने के जो अलग अलग तरीके हैं उन तरीकों को लो, आपका काम हो जाएगा, आप पुलिस ने भी चौकी।